त्रिकोणमिति के पिछले पाठ में हमने सीखा था कि अज्ञात ऊंचाइयां वो दूरियां ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज के विभिन्न गुणों की सहायता किस प्रकार ली गई। हमने सीखा था कि समकोण त्रिभुज में एक विशेष कोण के लिए विभिन्न भुजाओं के बीच अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इन अनुपातों को परिभाषित कर हमने नाम दिए जो इस प्रकार हैं, कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण बराबर भुजा PM बटा भुजा OP, इसे हम साइन थीटा कहते हैं। कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण अर्थात भुजा OM बटा भुजा OP, इसे हम कॉस थीटा कहते हैं। कोण की सम्मुख भुजा बटा कोण की संलग्न भुजा अर्थात भुजा PM बटा भुजा OM, इसे हम टैन थीटा कहते हैं। कर्ण बटा कोण की सम्मुख भुजा अर्थात भुजा OP बटा भुजा PM, इसे हम कोसिकेंट थीटा कहते हैं। कर्ण बटा कोण की संलग्न भुजा अर्थात भुजा OP बटा भुजा OM, इसे हम सीकेंट थीटा या सेक थीटा कहते हैं। एवं कोण की संलग्न भुजा बटा कोण की सम्मुख भुजा अर्थात भुजा OM बटा भुजा PM, इसे हम कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा कहते हैं। ध्यान दीजिए कि इस आकृति में हमने कोण POM को थीटा माना, यानी कोण POM का अंशीय माप थीटा लिया। यदि हम कोण OPM को थीटा माने तो इस कोण के लिए सम्मुख भुजा होगी OM तथा संलग्न भुजा होगी PM। आइए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ और संबंधों को समझें और उनके उपयोग देखें। इस आकृति में कोण POM का डिग्री माप हमने थीटा लिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि कोण OPM का डिग्री माप क्या होगा? जी हाँ, कोण OPM का डिग्री माप होगा 90 अंश घटा थीटा, क्योंकि कोण PMO 90 अंश का है। इसी प्रकार कॉस 90 अंश घटा थीटा बराबर कोण OPM की संलग्न भुजा बटा कर्ण अर्थात भुजा PM बटा कर्ण OP, और हम जानते हैं कि PM बटा OP को हम साइन थीटा लिखते हैं, या इसे हम इस प्रकार साइन थीटा भी लिखते हैं। इस प्रकार साइन 90 अंश घटा थीटा यानी साइन कोण OPM, इसे हम लिख सकते हैं कोण OPM की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, जो बराबर है भुजा OM बटा भुजा OP। और हम जानते हैं कि भुजा OM बटा भुजा OP को हम कोसाइन थीटा या इसे हम कॉस थीटा कहते हैं। इस प्रकार हमें एक और संबंध प्राप्त हुआ, यानी साइन 90 अंश घटा थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए कुछ और संबंधों को प्राप्त करें। कॉस 90 अंश घटा थीटा बराबर कोण OPM की संलग्न भुजा बटा कर्ण अर्थात भुजा PM बटा कर्ण OP, और हम जानते हैं कि PM बटा OP को हम साइन थीटा लिखते हैं,
या इसे हम इस प्रकार साइन थीटा भी लिखते हैं। इसी प्रकार टैन 90 अंश घटा थीटा बराबर है कोण OPM की सम्मुख भुजा बटा कोण OPM की संलग्न भुजा अर्थात भुजा OM बटा भुजा PM। और हम जानते हैं कि OM बटा PM को हम कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा लिखते हैं जब थीटा शून्य के बराबर ना हो, यानी टैन 90 अंश घटा थीटा बराबर हुआ कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 अंश घटा थीटा बराबर होगा भुजा PM बटा भुजा OM जो कि टेंजेंट थीटा या टैन थीटा के बराबर है जब थीटा 90 अंश के बराबर नहीं है। इसी प्रकार एक और संबंध कोसेक 90 अंश घटा थीटा बराबर कर्ण बटा कोण OPM की सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण OP बटा भुजा OM। और हम जानते हैं इसे हम sec थीटा या secant थीटा लिखते हैं जब थीटा 90 अंश के बराबर ना हो। इस प्रकार cosecant 90 अंश घटा थीटा बराबर हुआ secant थीटा के, और secant 90 अंश घटा थीटा बराबर कर्ण OP बटा PM जिसे हम कोसेकेंट थीटा या कोसेक थीटा लिखते हैं जब थीटा शून्य अंश के बराबर ना हो। अर्थात सीकेंट 90 अंश घटा थीटा बराबर है कोसेकेंट थीटा के। इन सभी संबंधों को हम एक साथ ध्यान से देखें। साइन 90 अंश घटा थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 अंश घटा थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 अंश घटा थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 अंश घटा थीटा बराबर टैन थीटा, कोसेक 90 अंश घटा थीटा बराबर सेक थीटा तथा सेक 90 अंश घटा थीटा बराबर कोसेक थीटा। आइए इन संबंधों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें जो बिना तालिका के किए जा सकते हैं। शून्य वो 45 अंश के बीच वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। साइन 75 अंश जमा कॉट 68 अंश, इन्हें हम शून्य तथा 45 अंश के बीच में व्यक्त करते हुए इस प्रकार लिख सकते हैं। साइन 90 अंश घटा 15 अंश जमा कॉट 68 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश घटा 22 अंश। हम जानते हैं कि साइन 90 अंश घटा थीटा, यानी यहाँ थीटा की जगह हम 15 अंश लिख रहे हैं, और यह बराबर होता है कॉस थीटा यानी कॉस 15 अंश जमा कॉट 90 अंश घटा थीटा जो कि यहाँ 22 अंश है बराबर होता है टैन थीटा यानी टैन 22 अंश, और यह है इसका उत्तर। मान ज्ञात कीजिए साइन वर्ग 55 अंश जमा साइन वर्ग 35 अंश बटा कोसेक वर्ग 70 अंश घटा टैन वर्ग 20 अंश। इन कोणों में जो कोण शून्य तथा 45 अंश से ज़्यादा हैं
उन्हें शून्य तथा 45 अंश के बीच में करते हुए हम इस प्रकार बदल सकते हैं, साइन वर्ग 90 अंश घटा 35 अंश, 55 अंश को हमने लिखा इस प्रकार, जमा साइन वर्ग, क्योंकि यह 45 अंश से कम है इसे इसी प्रकार लिख लिया 35 अंश, बटा कोसेक वर्ग 70 अंश को हम लिख सकते हैं कोसेक वर्ग 90 अंश घटा 20 अंश घटा टैन वर्ग, इसे हम इसी प्रकार लिख लेंगे क्योंकि ये 45 अंश से कम है, टैन वर्ग 20 अंश, यह बराबर हुआ। हम जानते हैं कि साइन 90 अंश घटा थीटा कॉस थीटा होती है, तो इसे हम लिखेंगे कॉस वर्ग 35 अंश जमा साइन वर्ग 35 अंश बटा कोसेक वर्ग 90 अंश घटा 20 अंश को हम लिख सकते हैं सेक वर्ग 20 अंश घटा टैन वर्ग 20 अंश। हम जानते हैं कि कॉस वर्ग थीटा जमा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, और इसी तरह से सेक वर्ग थीटा घटा टैन वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, इसे इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसे हम लिखते हैं इस प्रकार, कॉस वर्ग 35 अंश जमा साइन वर्ग 35 अंश को हम लिखते हैं 1 बटा सेक वर्ग 20 अंश घटा टैन वर्ग 20 अंश, 1 बटा 1 बराबर 1। इस प्रकार बिना तालिका के हमने मान ज्ञात कर लिया। अब एक और प्रश्न, टैन 25 अंश टैन 35 अंश गुणा टैन 45 अंश गुणा टैन 55 अंश गुणा टैन 65 अंश। यहाँ भी शून्य तथा 45 अंश से बड़े कोणों को हम शून्य तथा 45 अंश से के बीच के कोणों में बदलेंगे। इस प्रकार यह हुआ टैन 25 अंश गुणा टैन 35 अंश गुणा टैन 45 अंश, ये सभी 45 अंश से कम या उसके बराबर थे इसलिए इन्हें हमें नहीं बदला। इस कोण को हम बदलेंगे, इसे हम लिखेंगे टैन 90 अंश घटा 35 अंश, और इस कोण को भी बदलेंगे, हम इसे लिखेंगे टैन 90 अंश घटा 25 अंश। इस प्रकार यह हुआ टैन 25 अंश टैन 35 अंश टैन 45 अंश टैन 90 अंश घटा थीटा होती है कॉट थीटा, इसे इस प्रकार हम लिखते हैं कॉट 35 अंश, और इसे हम लिखते हैं कॉट 25 अंश। इस प्रकार टैन 25 अंश और इसके साथ ही हम कॉट 25 अंश लिखते हैं यहाँ पर, फिर लिखते हैं टैन 35 अंश और इसके साथ लिखते हैं कॉट 35 अंश गुणा टैन 45 अंश। हम जानते हैं कि टैन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर होता है 1, इस प्रकार टैन 25 अंश गुणा कॉट 25 अंश बराबर हुआ 1 गुणा टैन 35 अंश गुणा कॉट 35 अंश बना 1 गुणा, और टैन 45 अंश बराबर होता है 1 के, इस प्रकार इसका मान हुआ 1।
इस प्रकार यहाँ भी बिना तालिका के हमने इस व्यंजक का मान ज्ञात किया। अब एक और समस्या लेते हैं। थीटा ज्ञात कीजिए यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा घटा 10 अंश है। यहाँ हमें दोनों पक्षों को साइन या कॉस में बदलना होगा, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बाएं पक्ष को हम लिख सकते हैं कॉस 90 अंश घटा 3 थीटा। साइन थीटा को हमने लिखा कॉस 90 अंश घटा 3 थीटा बराबर। दाएं पक्ष को हम ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस थीटा घटा 10 अंश। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 90 अंश घटा 3 थीटा बराबर थीटा घटा 10 अंश, अर्थात 90 अंश जमा 10 अंश बराबर थीटा जमा 3 थीटा, अर्थात 4 थीटा बराबर हुआ 100 अंश के, यानी थीटा बराबर है 25 अंश के। हमने कोणों व पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंधों को समझा और उन पर आधारित समस्याओं को हल किया। आइए अब दूरियों व ऊंचाइयों से संबंधित कुछ समस्याओं पर विचार करें। यदि हमें एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? क्या उस पेड़ के ऊपरी सिरे पर चढ़ करके उसकी ऊंचाई मापना सदैव संभव होता है? इसी प्रकार यदि हमें किसी मीनार की ऊंचाई को मापना है या किसी पर्वत की चोटी की ऊंचाई को मापना है तो सदैव उसके ऊपरी सिरे पर चढ़ करके उसकी ऊंचाई को मापना संभव नहीं होता है। समुद्र में जहाज या नदी में नाव की दूरी मापकर ज्ञात करना सदैव संभव नहीं होता है। ऐसी समस्याओं के लिए हम त्रिकोणमिति की सहायता लेते हैं। मान लीजिए PQ एक मीनार की ऊंचाई दर्शाता है। यदि इसकी ऊंचाई मापना आसानी से संभव नहीं है तो हम Q से कुछ दूरी R पर कोण PRQ को माप लेते हैं। यदि दूरी QR बराबर है 50 मीटर के और यदि कोण PRQ बराबर है 60 अंश के तो समकोण त्रिभुज PQR में भुजा PQ बटा QR बराबर है टैन कोण PRQ के। भुजा PQ बटा भुजा QR हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि QR को आसानी से मापा जा सकता है किसी भी मापने वाले फीते की सहायता से, और PQ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और ये कोण हम आसानी से एक विशेष यंत्र सेक्सटेंट की सहायता से माप सकते हैं। इस प्रकार PQ बटा QR की दूरी हमने ली 50 मीटर बराबर tan कोण PRQ हमने मापा 60 अंश के, यानी tan 60 अंश जो कि वर्गमूल 3 के बराबर है, अर्थात PQ की ऊंचाई प्राप्त हुई 50 गुणा वर्गमूल 3 मीटर, अर्थात 50 वर्गमूल 3 मीटर। आमतौर पे सर्वेक्षण करने वालों को इस प्रकार के मापतौल करते हुए आपने देखा होगा। त्रिकोणमिति में इस प्रकार के कोणों को हमने विशेष नाम दिए हैं। आइए समझें। मान लीजिए हमें बिंदु R से मीनार PQ को देखना है, तब हमें अपनी दृष्टि RQ से ऊपर की ओर घुमाकर RP तक ले जाना होगा। RQ आँख के स्तर पर क्षैतिज रेखा है
तथा आरपी हमारी दृष्टि रेखा है। इन दोनों के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यदि कोई वस्तु आँख से खींची गई क्षैतिज रेखा से नीचे है तो हमें अपनी दृष्टि नीचे की ओर घुमानी होगी। जैसे यदि इस भवन की छत से हम नीचे रखी हुई किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमें अपनी दृष्टि क्षैतिज रेखा ए बी से नीचे की ओर ए सी तक घुमानी होगी। इस क्षैतिज रेखा ए बी तथा हमारी दृष्टि रेखा ए सी के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। आइए अज्ञात ऊंचाइयां वो दूरियां ज्ञात करने के लिए इन कोणों के उपयोग को देखें। एक पतंग 100 मीटर लंबी डोर द्वारा भूमि से उड़ाई जाती है। यदि डोर सीधी तनी हुई है और क्षैतिज रेखा से 45 अंश का कोण बनाती है तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस समस्या को चित्र द्वारा समझें। एपी पतंग की डोर दर्शाती है जो कि 100 मीटर लंबी दी गई है और यह डोर भूमि के साथ 45 अंश का कोण बनाती है यानी कोण पी ए क्यू बराबर 45 अंश है। स्पष्ट है कोण पी क्यू ए एक समकोण है। इस प्रकार समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में साइन कोण पी ए क्यू बराबर भुजा पी क्यू बटा भुजा कर्ण ए पी। इसमें हम साइन कोण पी ए क्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इस पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें कर्ण की लंबाई दी गई है। इस प्रकार इन दोनों से हमें मिलता है साइन कोण पी ए क्यू जो कि भुजा पी क्यू बटा भुजा ए पी है। साइन कोण पी ए क्यू है साइन 45 अंश बराबर भुजा पी क्यू हमें निकालना है या ज्ञात है बटा भुजा ए पी हमें दिया गया है। ये 100 मीटर लंबा है। हम जानते हैं कि साइन 45 अंश बराबर है 1/√2 के अर्थात हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर पी क्यू बटा 100 अर्थात पी क्यू बराबर 100/√2 बराबर 100/√2/2 अर्थात पी क्यू बराबर है 50√2 मीटर के। अब एक और समस्या लेते हैं। 120 मीटर ऊंचे एक प्रकाश घर से दो जहाज एक दूसरे के विपरीत दिशा में देखे जाते हैं। यदि उनके अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस चित्र में माना कि पी क्यू प्रकाश घर दर्शाता है और ए तथा बी दोनों जहाज हैं जो पी क्यू के विपरीत दिशा में हैं। इन दोनों के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश तथा 45 अंश हैं। इस प्रकार कोण सी पी ए जो कि बराबर है कोण पी ए क्यू के 60 अंश है तथा कोण डी पी बी जो कि बराबर है कोण पी बी क्यू के यह 45 अंश है और पी क्यू ए तथा पी क्यू बी दोनों समकोण त्रिभुज हैं। हमें दिया गया है कि प्रकाश घर की ऊंचाई 120 मीटर है। हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले हम समकोण त्रिभुज पी बी क्यू लेंगे। समकोण त्रिभुज पी बी क्यू में
टेन कोण पी बी क्यू बराबर भुजा पी क्यू बटा भुजा क्यू बी और टेन पी बी क्यू है टेन 45 अंश के बराबर। यह हुआ भुजा पी क्यू जो कि 120 मीटर की जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है बटा क्यू बी और हम जानते हैं कि टेन 45 अंश एक के बराबर होता है, इसका मान होता है एक, अर्थात हम लिख सकते हैं एक बराबर 120 बटा क्यू बी अर्थात क्यू बी बराबर 120 मीटर। समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में टेन कोण पी ए क्यू बराबर भुजा पी क्यू बटा भुजा ए क्यू और टेन पी ए क्यू बराबर है टेन 60 अंश के। यह बराबर हुआ भुजा पी क्यू दिया हुआ है 120 मीटर बटा ए क्यू के और हम जानते हैं कि टेन 60 अंश वर्गमूल 3 के बराबर है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 बराबर 120 बटा ए क्यू अर्थात ए क्यू बराबर 120 बटा वर्गमूल 3 यानी 120 गुणा वर्गमूल 3 बटा 3 यानी यह बराबर हुआ 40 वर्गमूल 3 मीटर के। इस प्रकार हमें दूरी AQ तथा BQ प्राप्त हुई। अब हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी AQ हमने प्राप्त किया 40 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर तथा दूरी BQ हमने प्राप्त किया 120 मीटर के बराबर। इस प्रकार दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी AB बराबर है ए क्यू जमा क्यू बी अर्थात 40 वर्गमूल 3 जमा 120 मीटर अर्थात 40 गुणा 1.73 वर्गमूल 3 का मान हमने यहाँ लिखा जमा 120 मीटर। यह बराबर हुआ 69.2 जमा 120 मीटर अर्थात दोनों जहाज़ों के बीच दूरी ए बी प्राप्त हुआ 189.2 मीटर। इस प्रकार आज हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंधों को समझा और उनके उपयोग देखे तथा अज्ञात ऊंचाइयां व दूरियां समकोण त्रिभुज की सहायता से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं यह भी समझा। अब आप भी इस प्रकार के कुछ और सवाल हल कीजिए।